आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश की नई संसद में माननीय वित्त मंत्री जी ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख, 140 करोड़ भारतवासियों की आशा आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत लोगों के हजार करोड़ के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नॉनवेज की नौ दृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है, और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से यहां पर जमीनी धरातल पर उतार रहा है। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में आज संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। इस पूरे बजट को अगर मैं कह सकता हूं कि यह बजट भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका को और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में यह देश की संसद में प्रस्तुत किया गया है। इस 140 करोड़ जनता जनार्दन के लिए समर्पित उनकी आशा, उनकी आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाले इस बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं।